सिंधिया राजवंश देश के विख्यात राजघरानों में जाना जाता है। विजयदशमी मनाने की परंपरा सिंधिया परिवार में वर्षों से चली आ रही है। यह एक ऐसा दिन है जब सिंधिया राज परिवार के प्रमुख अपने सभी सामंत सरदारों के साथ मुलाकात करते हैं और सभी सरदार उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। यदि हम विजयदशमी के उत्सव की बात करें तो पूरे देश में जिस तरीके से मैसूर का विजयदशमी पर्व जो है पहचाना जाता है, उससे भी कहीं वैभव के साथ ग्वालियर का सिंधिया राजघराना दशहरे पर विजयदशमी पर्व को मनाता आया है और आज भी जयविलास पैरिस के अंदर ये भव्यता दिखाई देती है जब सिंधिया राजघराने के प्रमुख अपने सभी सरदारों के सामने रूबरू होते हैं, उनसे चर्चा करते हैं तथा उनके साथ में ये जो एक ऐतिहासिक यादगार पल है उसे पुनः दोहराया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी जो दशहरा मनाने की परंपरा सिंधिया परिवार द्वारा ग्वालियर में अभी तक अनवरत चली आ रही है, उसके ये पल हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ ऐसे क्षण जो शायद ही आपके सामने कभी आए हों, जहां आप देख रहे हैं कि मराठा सरदार, मराठा परिवार सब एकजुट होकर सिंधिया परिवार को बधाई दे रहे हैं। यहां सिंधिया परिवार अपने सभी सरदारों के साथ एकजुट होकर सामूहिक फोटो सेशन कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। और इस परंपरा में इसके बाद होता है सिंधिया राज परिवार का आम लोगों के संग मुलाकात का सिलसिला। शहर के सभी गणमान्य नागरिक, आम नागरिक जयविलास पैलेस पहुंचते हैं जहां पर वह अपने महाराज से चर्चा करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ युवराज महाआर्यमन सिंधिया यहां पर जनता के साथ मिल रहे हैं, जनता से उनका हालचाल पूछ रहे हैं और जनता भी उनको बधाइयां दे रही है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी तरीके से उसी हर्षोल्लास के साथ ग्वालियर के जयविलास पैलेस में मनाई जाती है। तो ये पल, ये दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक पल हैं। सालों से अनवरत यही परंपरा इसी तरीके से चली आ रही है जब सिंधिया राज परिवार के प्रमुख अपने सभी सरदारों के साथ साथ आम जन से भी रूबरू होते हैं। ये ऐतिहासिक पल जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये ऐतिहासिक पल जो सिंधिया परिवार को आम जन से जोड़ कर रखता है।